अस्सलाम वालेकुम आरबीएस बिजनेस रिसर्च एकेडमी दास सभी की भली काल चमा तो आज के वीडियो में लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करना है मेडिएशन। दोस्तों मेडिएशन एंड मॉडरेशन बा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स हैं और आवा अक्सर उधा भी होता है अक्सर इन दी काफी लिटरेचर काफी रिसर्च पेपर पढ़या भी होता तो हां थ्योरेटिकली मेडिएशन या कांसेप्चुअली मेडिएशन शाओ मुझे आज जो का इनके की समझ दे की एक पूरी थ्योरेटिकल वीडियो है जिमे मेडिसिन जे हवले का सा गाल बोल करदा से अचो लेक्चर के शुरू क्यों पर इन अग में मुझे नालो डॉक्टर रही बख्शुमोर है माशा बदीप से तालुक रखा तो दोस्तों ही मुझे रिसर्च कोर्स सर्टिफिकेट है जो मु हासिल कर स्मार्ट पीलिस अकेडमी में जिम्मे में नव मॉड्यूल कवर सर्टिफिकेट अकेडमी तरफा मिलो। सो हाँ डिस्कस कदे इम्पोर्टेंस मेडिएशन एनालिसिस की अहमियत है इन हवाले का जर अस क्यों मेडिएशन इम्पोर्टेंस केतरी है मेडिएशन डिजाइन अभी मेडिसिन डिजाइन या मेडिकल स्टडीज तमाम घड़ी से इम्पोर्टेंट हैं माना एट हर्ट ऑफ या दिल यानी तमाम घड़ी इम्पोर्टेंट है सोशल साइंस में बिजनेस रिसर्च में जैसे अस मेडिसिन एनालिसिस अजक तमाम घड़ों फोकस है रिसर्चर्स तहकीकदान सोशल साइंस के ताल्लुक रखा बिजनेस रिसर्च में अक्सर जो मौके मिलता मुख्तलिफ सेमिनार वन भी अक्सर रिसर्च पेपर होंगे एफलपी सेमिनार होंगे उनमें अक्सर मेडिसिन के रन कर जैसे पुछे तो भाई मेडिसिन रन कर आखिर रीजन का है तो का खबर को होंगी है बस एक ट्रेंड है एक भाई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो यकीन के जरूर कर दैट्स गुड थिंग पर मेडिसिन इस्तेमाल करना गुड तक रीजन ये खबर हो जी तो मेडिएटर तौर जो वेरिएबल खाना तो ये मेडिएटर तौर वेरिएबल कम करे भी तो या नी करे तो उनकी का जस्टिफिकेशन तुम है या ना है सिर्फ मेडिएटर लगाने को जरूरी ना है इनकी जो इम्पोर्टेंट यो वाइटल है थ्योरी डेवलपमेंट जी थ्योरी डेवलपमेंट किया जाहिर है इनमें मेडिएटर जो हणा तो थ्योरी अगर बेहतर थी वी इम्पोर्टेंट टू साइंटिफिक स्टेटस ऑफ द फील्ड साइंटिफिकली सोशल साइंस फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहो तो उनमें मेडिएशन जो भी वो किरदार है इंडिस्पेंसिबल टूल है ये तमाम जरूरी टूल अची वो है बेहतर जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखने के लिए छो जो दोस्तों अजकल गाली मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस यानी MDA की सो जो मल्टीवेरिएट डेटा कम किया तो उनमें मेडिएशन अहम किरदार अदा करे तो हाँ मेडिएशन एक मैकेनिज्म है केंद्र बिटवीन द एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस वेरिएबल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन चाहता थ्रू अनदर थर्ड वेरिएबल इनके मेडिएशन चाहूँ था तो इन हवा का मेडिएशन ढी इम्पोर्टेंट है असानी तेखा गाल मेडिएशन इलस्ट्रेट टिपिकली द स्टैंडर्ड टेक्निक एंड प्रोसीजर टेस्ट थ्योरीज असके थ्योरीज के टेस्ट क्या हूँ थ्रू मेडिएशन के उनके विच में ऐसा तो असा एक्सोजीनियस या एंडोजीनियस वेरिएबल इन जो पा में रिलेशनशिप कड़ो है जैसे अस में थर्ड वेरिएबल इंसर्ट क्यों था उन विच में कड़ी किस्म की रिलेशनशिप है अस इनके थ्रू मेडिएशन के जरिए से देयरफॉर द मेडिएशन मॉडल हैज बिकम इंक्रीजिंगली यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में इनके इस्तेमाल किया वे तो ऑलमोस्ट मैंडेटरी तकरीबन जरूरी थी वह हर एक रिसर्च पेपर में जो लाजिम थी है हाँ मिसाल मेडिएशन ना है जो असर पेपर उधरू लगे तो मेडिएशन ना है तो असो जो रिसर्च थीसिस है वह असर उधरू लगे थी जैसे अस कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के ऊँ या उन तकरीबन तमाम घनी मेडिएशन इस्तेमाल थी रही है इन पॉपुलरिटी थी रही है even evidently scholars today are placing increased emphasis on studying the mediation model tamam ghano in the important need bane mediation models ke aina wale ka ek sanda se the survey jo pass aan aaye sai samu je me aaye ta wood et al 2008 mein ek survey kar je me in the top 5 journals ma je ke research paper go डाउनलोड कर दिखो ये टॉप जर्नल्स हैं जैमें हमें तकरीबन जो पंजवी साल का यानी 1981 का 2005 तीन 409 रिसर्च पेपर अड़ा गोल्हा जिनमें जो मेडिएशन उनमें इस्तेमाल थे हुई तो हाँ मकसद मेडिएशन को नो फिनोमेना ना है
मेडिसिन तकरीबन पंजवी साल पुराना जो है यानी पंजवी साल अग में मूँ की खबर हुई तो अस मेडिसिन मॉडरेशन असे सफेवर में इस्तेमाल कर सकूँ था का फिगर ये तक 15 साल पुरानी है पर लेटेस्ट फिगर अस मिली वे तो उन जाहिर है 409 के बदल ये खबर ना अलग केतरा रिसर्च पेपर बधी सकन था असा तो जी अड़ी किस्म का स्टडी की खोड़ सारी स्टडी भी पेपर आन मार्केट में ताकि मिली भी वा तो जैं मेडिएशन एनालिसिस केतो पॉपुलर है रिसर्च जो तहकीकदान में तह गाल समझी सको था बिफोर डिस्कसिंग द मेडिसिन एनालिसिस वी शुड लुक एट द बेसिक मेडिसिन मॉडल तो बेसिक मेडिसिन मॉडल है समझूँ तो बेसिक मेडिसिन मॉडल या मेडिसिन है उनको कॉन्सेप्ट कड़ो है हालांकि जानो था बेसिक जो मेडिसिन जो मॉडल भी मेडिसिन की भी समझो था पर वरी भी जस्ट जो रिवाइज द ओल्ड थिंग्स पढ़ी चुका हो इन हवाले का मेडिएटर यानी हि असो मेडिएटर है जैसे अस एम से जाहिर क्यों था मेडिएटर इज अ थर्ड वेरिएबल ये असो टों वेरिएबल है जो एक्सप्लेन करे तो जो वजाहत करे तो हाउ यानी कि तरीके से छो द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रिलेटेड यानी हि असो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो तुम था अड़ो असो तरफ इन तरफ वही रो है यानी हि असो एक्जोजीनियस या इंडो या असो आईवी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हि असो एंडोजीनियस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हि एम जो असर करे तो यो असो एज अ मेडिएटर इस्तेमाल थे तो जी तुम ऐसा तो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट यो भी है किथे कोई झगड़ो थी वो बिन मानों के बीच में टों मेडिएटर अची वो जो बिन्हीं गाली बुधी कर फैसलो जाहिर कह तरह से हि जो एक्स ए वाई के बीच में रिलेशनशिप है वो मेडिटेटर तौर से ऐसा था तो इो मेडिटेटर जो सिंपल कॉन्सेप्ट है जैमें अस समझ मेडिटेशन छो थी है यानी इन बिच में रिलेशन एक्स ए वाई के बीच में मेडिटेटर रखा जो बुधाई है इन बिच में कड़ो रिलेशनशिप है इो रिलेशनशिप छो आ सिंपल मेडिटेशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट थ्री वेरिएबल यानी एक सिंपल जो मेडिसिन मॉडल हो चूँ तो घट में घट उनमें टे वेरिएबल तो लाजमी हूँ जाहिर जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाजमी है सिंपल मॉडल है असो जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सिंपल इन बिच में अस मेडिटेटी तो वो असो सिंपल मेडिएशन थी मिली असानी इन में सीरियल मेडिएशन है इनमें कंटिन्यूस मेडिएशन भी थी सके थी तेखां पोए आहे मेडिएशन अकर्स हाँ कहीं भी मेडिएशन थे जैसे अस टों वेरिएबल उनमें इंसर्ट क्यों जैसे टों वेरिएबल इंसर्ट किया यानी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच में टों वेरिएबल हाँ यो मेडिएशन यो टों जो वेरिएबल है एज अ मेडिएटर तौर इस्तेमाल करे तो मेडिएशन मेडिएटर विझण पे इो जरूर पक करो तो अग में जो वेरिएबल एज अ मेडिएटर इस्तेमाल थोड़े या ना तो इो लाजमी है यानी थ्योरेटिकल सपोर्ट तहज उन वेरिएबल के एज अ मेडिटर इस्तेमाल कर थ्योरेटिकल सपोर्ट बेहतर थ्योरेटिकल सपोर्ट हो लॉजिकल रीजनिंग इन पोया हो को सबब अड़ो हो जाहिर थे तो हि मेडिकल जो भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो वेरिएबल एज अ मेडिटर ये मेडिटर तौर किरदार निभा भी सके तो या न अच्छा उनका मोड मतलब मुख्तसर से गाल क्यों तो अ चेंज इन द एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट ठीक है कॉजेस अ चेंज इन द मेडिएटर यानी हाँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी तब्दीली होंगी वह मेडिएटर में जाहिर थी वरी विच इंट्रेंस चेंज इंटू द एक्सो एंडोजीनियस यानी वो आखिर में वरी तब्दीली है तीन शुरू थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मेडिएटर से आई ए मेडिएटर में वरी हेठ अची कर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अची वी यानी अस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इम्पेक्ट ऐसा था डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू मेडिएटर के इनके अस मेडिएशन चूं था सिंपल तेखा दोस्तों नेक्स्ट असो है तं कर चूं था तो देयर बाय द मेडिएटर वेरिएबल गवर्न द नेचर देयर गवर्न्स द नेचर जो नेचर है इंडिपेंडेंट आईवी एंड विच में नेचर उनके जो गवर्न करे तो उनको लागू करे तो वो मेडिएटर है जो अंडरलाइन द मेकेनिज्म ऑफ प्रोसेस या उन बिच में जो मेकेनिज्म है जो प्रोसेस है उन सारी प्रोसेस के मेकेनिज्म के जो गवर्न जो करे तो जो उनके हलाए तो वो असो मेडिएटर है ठीक है तंखा को वरी अस अगते बदूँ तो है स्ट्रॉन्ग प्रायरी
The strong priority theoretical conceptual theoretical or conceptual support lazmi ahe the mediating effect ke zahir karne lai yani jo ta mediator hano tha unji poya ta ke theory strong theory al joka ya ko conceptual support lazmi ahe ta deke ta ikde ke chai sabo ta higher hi jo asan jo ahe jo as a mediator istemal the to unne poya ta ke lazmi ahe ta theoretical support huje acha unne ka ko he asan jo ahe mediating effect हाँ मेडिटिंग इफेक्ट है डायरेक्ट इफेक्ट एक असों डायरेक्ट इफेक्ट जैमें असूँ द इफेक्ट ऑफ द रेपुटेशन ऑन लॉयल्टी यानी हि रेपुटेशन इफेक्ट असूँ लॉयल्टी से जिते असो रेपुटेशन असो आई वी है लॉयल्टी असो डी वी है एक असो डायरेक्ट इफेक्ट ए अस है इनडायरेक्ट इफेक्ट जैसे अस मेडिटिंग इफेक्ट भी चूं इो अस चेक क्या हूँ थ्रू मेडिटर के हाँ असो मथा इफेक्ट जो असो डायरेक्ट इफेक्ट जैसे रेपुटेशन इफेक्ट लॉयल्टी के थ्रू सेटिस्फेक्शन से ऐसे तो यो अस इनडायरेक्ट इफेक्ट तो हाँ जो यो फर्क है डायरेक्ट ए इनडायरेक्ट इफेक्ट के दरमियान हि है मॉडरेटर सॉरी मेडिएटर एक्सप्लेन हाउ रेपुटेशन ट्रांसलेट इंटू द हायर लॉयल्टी यानी रेपुटेशन वो हायर लॉयल्टी में कैसे ट्रांसलेट थे थी वो सेट जाहिर जितरो तहां जो कस्टमर सेटिस्फाइड हों दो रेपुटेशन ओतरो जाहिर वो वधिक लॉयल हों दो ठीक है तेखा को असा वट हिकड़ी इनमें आए द व्हेन द सपोर्ट इज प्रेजेंट मेडिएशन कैन बी यूजफुल स्टैटिक एनालिसिस यानी जड़े ताके थ्योरेटिकल सपोर्ट आए या लॉजिकल रीजनिंग इन द पोया आए तो वो सामो मेडिएटर तौर जो वेरिएबल है वो कमाए तो फायदेमंद एज अ मेडिएटर इस्तेमाल थी सके तो वो वेरिएबल अच्छा हाँ अस है इतने तो भाई हे सिंपल जो अस रिलेशनशिप है जैमें अस एटीट्यूड जो इम्पेक्ट चेक करना चाहूँ तेजे बिहेवियर से हाँ हि जो एरर टर्म है असो हि डिपेंड वेरिएबल के मथा है ठीक है हाँ हि असो सी जो जाहिर कर रहा हि असो सी आए तो असो इम्पेक्ट यानी असो हि डायरेक्ट रिलेशनशिप है जैमें तुम चेक कर रहा हो एटीट्यूड जो इम्पेक्ट बिहेवियर के मथा हाँ हि असो थो इनडायरेक्ट जैमें अस एटीट्यूड जो बिहेवियर जो एटीट्यूड इम्पेक्ट बिहेवियर के मथा ऐसो था थ्रू इंटेंशन के ठीक है हाँ इंटेंशन इतने असो मेडिएटर तौर इस्तेमाल थे तो यानी हि असो इनडायरेक्ट इफेक्ट अगर में तुम डायरेक्ट इफेक्ट चेक कर रहा हाँ तो इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक था कर उनसे तो इतने हि अस टे हि प्रिडिक्टर है हि अस प्रिडिक्टेड है हि अस एक्स या वाय है जो एम यानि मेडिएटर तौर यो कम कर रो है तेखा इफेक्ट्स टाइप्स अग में भी तक इफेक्ट टाइप डिस्कस क्या डायरेक्ट ए इनडायरेक्ट इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट वरी भी रिपीट क्यों था तो हि डायरेक्ट इफेक्ट है पी थ्री जैमें अस वाई वन जो इम्पेक्ट वाई टू के मत डायरेक्ट घुरूँ उन असो इनडायरेक्ट इफेक्ट है जो असो पी वन जो असो वाई वन का मॉडरेटर तौर मेडिटर वे थो अस पी टू जो मेडिटर जो इम्पेक्ट अस चेक था क्यों वाई टू से हाँ इनडायरेक्ट इफेक्ट का बिन्हीं के मल्टीप्लाई जो असो वेल्यू मिलो यो असो इनडायरेक्ट इफेक्ट जो वेल्यू है जो इतने पी थ्री जो असो वेल्यू मिले तो मिल असो डायरेक्ट इफेक्ट है उनका असो है टोटल इफेक्ट हाँ टोटल इफेक्ट जो मकसद है जैमें अस डायरेक्ट इफेक्ट ए प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट हि डायरेक्ट इफेक्ट जो है मल्टी इनके एड क्या पी वन इंटू पी टू जो वेल्यू अचे तो उनमें तो असेंगे यो टोटल इफेक्ट नजर मिली वो दोस्तों अस टिन किस्म जो इफेक्ट है डायरेक्ट इफेक्ट है इनडायरेक्ट इफेक्ट है टोटल इफेक्ट है हाँ टे इफेक्ट कें अचन उन भी तरीको तक समझा वो सिंपल मेडिएशन के मॉडल में उनका है असो हि मेडिएटर एनालिसिस प्रोसीजर इन पीएलएस सेम में अस मेडिएटर के एनालिसिस की क्यों इन में असो यो समझण पव हाँ इनमें तो वेगन वेगनर एंड फेरविगन एक्सप्रेटली स्टेटेड द थ्री टाइप ऑफ द कॉमन काजुअल हाइपोथेसिस डायरेक्ट काजुअल ठीक है असो है मेडिटेट काजुअल इफेक्ट ए टो अस मॉडरेटेड काजुअल इफेक्ट तो इतने अस ग मेडिटेटेड
काजुल इफेक्ट जी हाँ वो की स्टार्ट थी उनमें सब का पे असासे में ये प्रोसेस है असो जैमें अस चे तो असे सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्ट इफेक्ट हाँ डायरेक्ट इफेक्ट तुम समझी आया हो तो जैमें अस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इम्पेक्ट असूंता डिपेंडेंट वेरिएबल के मत हाँ वो डायरेक्ट इफेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग द मेडिएटर मतलब मेडिएटर इस्तेमाल ना क्यों इन द पीरियस पॉथ मॉड हाँ अस किथे कड़ी स्टेज ते उन स्टेज जिते अस डायरेक्ट इफेक्ट दिसूं था जैमें कें भी किस्म को मेडिएटर ना पर यो डायरेक्ट इफेक्ट असो जो है हाँ जो अस डायरेक्ट इफेक्ट जो इो ही अस सिग्निफिकेंट ना है यानी देर इज नो मेडिएशन कें किस्म की गाल मोडिएशन को हाँ सिग्निफिकेंट जो मकसद स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट लाजमी है यानी जैसे अगमें कोई लेक्चर में समझा समझाया हो तो भाई 90% 95% इन 99% टे असर स्टैटिस्टिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल है हाँ 95% उम्मीद तौर से दोस्त इस्तेमाल कर 95% तक चेक था क्यों इतने सिग्निफिकेंट ना स्टैटिस्टिकली तो यानी मेडिएशन मुमकिन ही ना चो तो रिलेशनशिप ही है ही को यानी एप्पल ऑरेंज है हाँ एप्पल ऑरेंज के तुम कें कंपेयर कर ठीक है ये ब मुख्तलिफ शूँ घट में घट उन रिलेशनशिप हो उन रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट भी जरूर हुए अच्छा रिलेशनशिप असो सिग्निफिकेंट है डायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है तो अस इंक्लूड द मेडिएटर वेरिएबल इन द पीएलएस पाथ मॉडल एंड द से सिग्निफिकेंस ऑफ द इनडायरेक्ट इफेक्ट यानी P12 इंटू P23 तीन रहा वो सागो इतना तो यो हाँ उन में जैसे असो पे डायरेक्ट इफेक्ट असो पॉजिटिव है सिग्निफिकेंट अस उनमें मेडिटर विजास जैसे मेडिटर अस विधोसे तो उनको रिलेशनशिप वो सिग्निफिकेंट है यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट यानी जो तीन रहा उनमें नजर भी अच्छा मॉडल तो यो पी जो पाथ है यानी तक पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मेडिटर तौर वे तो मेडिटर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये बई पाथ जो ये बई सिग्निफिकेंट है तो अस कस द डायरेक्ट इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट ठीक है शायद इनके अच्छा इनडायरेक्ट इफेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट तो नो मेडिएशन हाँ इन मिसा यो तीन रहा हो इनमें सजा ट्रे के पान में रिलेशनशिप है सिग्निफिकेंट है मेडिएशन थी सके या तो मेडिएशन को यानी इन में को भी जो है यानी डायरेक्ट इफेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट जो भी इनसिग्निफिकेंट है यानी मेडिएशन मुमकिन ना है सो मेडिएशन करने ये टई पा में सिग्निफिकेंट लाजमी होजन घुर्जन द सिग्निफिकेंट इफेक्ट द इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट को असेस द वेरियंस अकाउंटेड फॉर यानी वी एफ यानी वह केतो वेरियंस जो उनमें शेयर कन निकले तो उन्हें टे असो है वी एफ जो मत या 80% का तो फुल मेडिएशन है मुकम्मल तौर से जो मेडिएशन है जैसे वी अस्सी के दरमियान असो है तो पार्शियल मेडिएशन है वी का घट है तो इन मकसद है कें किस्म का भी मेडिएशन ना हाँ इन मेडिएशन करजमी यो है पे जो मॉडल में क्लिनियर रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट हुए उनजन तो असा मेडिएशन जो वैल्यू यानी वेरियंस अकाउंटेड फॉर जो उनमें जो वेरियंस शेयर थे उन मॉडल में वो 80% का है तो फुल मेडिएशन 80 वी के बीच में है तो पार्शियल यानी अद है अद ना वी का घट है तो देर इज नो एनी मेडिएशन मतलब कें किस्म मेडिएशन ना यो मॉडल में बी है भाई अस टे शमाल क्या कंप्लीमेंट्री मेडिएशन यानी जरूरी का मेडिएशन है उनमें शायद मेडिएट इफेक्ट ए इंटू बी एंड डायरेक्ट इफेक्ट जो असो सी जो असो है एग्जिस्ट टे एग्जिस्ट कन था यानी टई रिलेशनशिप तुम्हारा सिग्निफिकेंट है मान सिग्निफिकेंट मकसद उ एग्जिस्ट थन यानी रिलेशनशिप है तो पॉइंट सेम डायरेक्शन सागे डायरेक्शन में पॉइंट आउट कन था या निशान उन सागे डायरेक्शन में है इनका मकसद है कंप्लीमेंट्री मेडिएशन है असि कॉम्पिटेटिव यानी मुकाबले वाली जो एक बे मेडिएशन उनमें मेडिटेट इफेक्ट असो सागो ही है ए इंटू बी एंड डायरेक्ट इफेक्ट सी बोथ एग्जिस्ट यानी बई एग्जिस्ट मान रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी कन था एंड जो पॉइंट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है मान एक बे जो है तो यह कॉम्पिटेटिव मेडिएशन है आखिरी जो असि जो फोर्थ थर्ड है वह इनडायरेक्ट मेडिएशन है इनडायरेक्ट ओनली तो जैमें मेडिटेट इफेक्ट ए इंटू बी एग्जिस्ट बट नो डायरेक्ट इफेक्ट
यानी डायरेक्ट इफेक्ट तो कोई कौन है पर असा मेडिट इनडायरेक्ट इफेक्ट लेकिन वो असा जो आए तो इते मेडिएशन आए तो सही पर वो सिर्फ इनडायरेक्ट मेडिएशन आए एंड डायरेक्ट मेडिएशन डायरेक्ट ओनली माना उसमें नॉन मेडिएशन एक डायरेक्ट इफेक्ट एग्जिस्ट सी करे तो बट इनडायरेक्ट इफेक्ट ना है तो वो इनमें कई किस्म का मेडिएशन आए एंड इन हवाले का ये पेपर है जिनमें मां ये शूं वरतू आए ठीक है इन रेफरेंस है इन गालन जो उनका असा नेक्स्ट स्लाइड के अचूँ तो असो मेडिएशन एनालिसिस प्रोसेस आए ये असो दोस्तों ये सब थ्योरिकल शन प्रैक्टिकल शूं इंशाला जैसे तुम मुझी प्रैक्टिकल वीडियो या मेडिएशन की इंशाला तुम सब समझी वो छो जो मुझे कोशिश वरी भी आई अगर थ्योरिकल कॉन्सेप्ट जो पेज स्मार्ट पेजेस से प्रैक्टिकल में वन अग में सब थ्योरिटिकल सब शूं समझी वो तो प्रैक्टिकल शूं असा तमाम आसान थी वो तो मुझे तो मकसद यह है जो अस कर रहे हैं जो रो है जो मिली रो अस सब शूं समझू स्मार्ट पीएलएस में ठीक है मेडिकल एनालिसिस प्रोसेस है असो हाँ पेरों तो इनमें तुम हाँ समझी वह हों असा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट कड़ा ये सज अस टोटल इफेक्ट असो कड़ो इफेक्ट अस आजमी जहन में होते तो हाँ सब का पे है पी वन पी टू सिग्निफिकेंट है यानी ये पी वन है असो पी टू ये रिलेशनशिप जो पा में ये बी रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट आन या ना है ठीक है पे असो यो सवाल तो असदे येस सिग्निफिकेंट है तो इस पी थ्री सिग्निफिकेंट यानी पी थ्री जो असो डायरेक्ट इफेक्ट है वो भी सिग्निफिकेंट है येस तो असो तो चाहे इस पी वन पी पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री पॉजिटिव जो पॉजिटिव येस द कॉम्प्लीमेंट्री यानी पार्शियल मेडिएशन है जैसे पॉजिटिव न नेगेटिव तो असो असो पार्शियल यानी कॉम्पिटेटिव मेडिएशन है तुम दिखो तो पोई में एरो जो लेकिन एरा सब एक पास में पॉइंट पॉइंट कन था तो कॉम्प्लीमेंट्री जो अगेंस्ट में वह कॉम्पिटेटिव मेडिएशन है ठीक है अच्छा उनका वरी असासी तो भाई जो पी थ्री असो सिग्निफिकेंट ना है इन केस इफ इट इज नॉट सिग्निफिकेंट देन इनडायरेक्ट ओनली एंड फुल मेडिएशन या इनडायरेक्ट मेडिएशन एंड फुल मेडिएशन भी है असि अच्छा उनका पी थ्री सिग्निफिकेंट उनका पी थ्री असि सिग्निफिकेंट है लेकिन येस जी सिग्निफिकेंट है तो डायरेक्ट ओनली ठीक है कें किस्म की मेडिएशन ना है इफ द पी थ्री इज जी नॉन सिग्निफिकेंट है तो कें किस्म का मेडिएशन आ ही को ठीक है जो एक्जेक्टली सागो शोए में पढ़ी आयासे जैमें अस समझो से इन का यारों बारह नंबर स्लाइड में जी असो पार्ट समझी आयासे तो लेकिन मेडिएशन जो पी थ्री असो यानी पी वन पी थ्री सॉरी लेकिन वो सिग्निफिकेंट ना तो वो रिलेशनशिप असो इनमें को सके उनका ही असा मॉडल जहाँ एलिमेंट है जैमें असो वक्त है मल्टीपल मेडिएटर यानी मल्टीपल मेडिएटर मकसद जैसे जैमें असिक मेडिएटर हो हाँ उनमें ऐसो तुम अस उम्मीद तौर से मेडिएटर वन अस कदम हाँ इतने असो मेडिएटर वन मेडिएटर है ब मेडिएटर हाँ इतने टे चार मेडिएटर अचन फिर अजकल जो कम हल तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो असा रिसर्च मॉडल है जिनमें खोड़ सारा अस मेडिएटर हैं तो एक भी बी बिल का मत थी बहरहाल अस मल्टीपल मेडिएटर हैं तो असि तो मॉडल एलिमेंट्स असा कड़ा तो उनमें डायरेक्ट इफेक्ट अस पी थ्री है असो ही असो डायरेक्ट इफेक्ट पी थ्री वो असी रहा उनका स्पेसिफिक डायरेक्ट इफेक्ट असा पी वन इंटू पी टू पी फोर इंटू पी फाइव ये पी वन ये पी फोर ये पा में इनका डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट जो रिलेशनशिप पा में इनका उनका टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट जो असो है वो अस पी वन इंटू पी टू प्लस पी फोर पी फाइव ये असो टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट टोटल इफेक्ट जो असो है ये सब समझी वो टोटल इफेक्ट है ये कें करजन अच्छा उनका टेस्टिंग मेडिटिंग इफेक्ट्स हाँ मेडिटिंग इफेक्ट्स का टेस्ट क्यों उन हवाले का इंडिविजुअल मेडिटिंग इफेक्ट कैंको मेडिटिंग इफेक्ट है वेन एम ओनली एम वन एकड़ो ही कंपेयर स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट पी वन पी एन टू पी टू विद द डायरेक्ट इफेक्ट पी थ्री तो इन हवाले का असि जो इंडिविजुअल मेडिटिंग इफेक्ट ये जॉइंट मेडिटिंग इफेक्ट्स यानी गडियल जो
यानी जमी एम वन एंड एम टी जो गडियल इम्पैक्ट थो अग में असो एम वन यानी मिलीलीटर जो इम्पैक्ट अस क्यों द कंपेयर ऑल द टोटल इफेक्ट्स विद द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द पी थ्री एंड इंक्लूड ऑल ऑलवेज इंक्लूड ऑल हाइपोथेसिस मेडिएटर इन योर मॉडल एंड डू नॉट टेस्ट देम सीक्वेंटली यानी सीक्वेंस वाइज माना एक टाइम से सभी तक हाइपोथेसिस जी वो करना यानी तक खड़ी चो खी चो तो असके साइमल्टेनियसली असि हाइपोथेसिस के टेस्ट करो है उनका नेक्स्ट असो है सीरियल मेडिएशन है अस जैमें सीरियल मेडिएशन है जैमें इन मत उन मत हि जो असोज मत ऐसो एम वन जो एम टू के मत है इम्पैक्ट यानी क्वाइट कॉम्प्लेक्स असो मॉडल है असो तो इन में असूँ तो डायरेक्ट मॉडल एलिमेंट डायरेक्ट इफेक्ट असो पी थ्री ती पी थ्री डायरेक्ट इफेक्ट है स्पेसिफिक डायरेक्ट पी वन इंटू पी फोर एंड ये सब स्पेसिफिक टोटल इनडायरेक्ट एंड टोटल इफेक्ट ये हाँ तो मॉडल काफ़ी समझी पाया हूँ टेस्टिंग मेडिएटिंग इफेक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट मेडिएटिंग इफेक्ट है जिसे एम वन यानी ही हो कंपेयर जो इफेक्ट पी वन एंड पी टू से कंपेयर कहें उन सीरियल कोएफिशिएंट मेडिएटिंग इफेक्ट है जैमें फर्स्ट एम वन एंड देन एम टू असो चेक कहें पान में ये असो सीरियल मेडिएटिंग है एम वन एंड एम टू जो उनका जॉइंट मेडिएटिंग इफेक्ट है जैमें एम एम वन एंड एम टू जो पा कदे को इफेक्ट ऐसा था तो हे कुछ असा मॉडल्स जी असो मेडिएशन जैमें एक असो जी मेडिटर भी थी अस मॉडल में उनका सीरियल मॉडल मेडिएशन में थोड़ा पढ़ना तो टोटल इफेक्ट तो हाँ समझी वे तो भाई इम्पैक्ट ऑफ द आई वी ऑन डी वी अस डायरेक्ट इफेक्ट है तो इम्पैक्ट ऑफ द आई वी ऑन डी वी थ्रू द मेडिएटिंग इफेक्ट ए इंटू बी उन डायरेक्ट इफेक्ट जो है असो है आई वी जो इम्पैक्ट है डी वी के मत ये टे शाम भी पढ़ी चुका हाँ कंप्लीट मेडिएशन कड़ी सूरत हाल में थी तो वह दिस फॉर्म्स ऑफ द दिस फॉर्म ऑफ द मेडिएशन जो एग्जिस्ट इफ द प्रिडिक्टर आई वी एग्जर्ट इट्स टोटल इन्फ्लुएंस वाया मेडिएटिंग वेरिएबल जैसे जो प्रिडिक्टर है वो पूरा इन्फ्लुएंस के पान की जज्ब करे तो वे थ्रू यानी मेडिएटिंग वेरिएबल की यह असि कंप्लीट मेडिएशन थी वे पार्शियल मेडिएशन असो बो है ये अग में जो ग्राफ में समझी आया से दिस फॉर्म ऑफ द मेडिएशन एग्जिस्ट इफ द प्रिडिक्टर वैल्यू यानी प्रिडिक्टर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जर्ट सम ऑफ द इन्फ्लुएंस ओवर वाया द मेडिएटर कुछ इन्फ्लुएंस वे तो कुछ के शरीर वे थ्रू मेडिएटर की यह असि पार्शियल मेडिएशन थे थी इट ऑल्सो एग्जिस्ट सम ऑफ द इन्फ्लुएंस डायरेक्टली ऑन द आउटकम वेरिएबल एंड नॉट बाय अ मेडिएटिंग वेरिएबल कुछ इम्पैक्ट डायरेक्टली छे तो आउटकम वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल से कुछ इम्पैक्ट जो थ्रू मेडिएटर तौर से उनके मथा इम्पैक्ट छे तो यानी कुछ हितो कुछ हितों तो हाँ इन अस चाहिए पार्शियल मेडिएशन दस द इन्फ्लुएंस is exerted on the DV through the through IV and the MV. Okay, so the path A into B indirect effect and the path direct effect both are significant. The insurat hal asanje ka mediation hai wo partial mediation hai. No mediation tani thi jane asanje indirect effect significant na hai. So mediation ke check karne ka sab ka pehla ko step hai. वो यो ही आए तो असो डायरेक्ट पाथ जो वो सिग्निफिकेंट है तो अगत हलण वो ही सिग्निफिकेंट ना है तो अगत मेडिएशन मुमकिन ही ना अस अलावा ही ढो बेहतरीन जो है सब का जो हि किताब पेपर वो है जैमें असो रिकंसिडरिंग द बैरोन एंड कैनी मिथ एंड द ट्रुथ अबाउट द मेडिसिनल तमाम अहम पेपर है टाइम मिले तुम्हें डाउनलोड कर बल्कि मुझे लिंक से ल डायरेक्ट वही कर इन पेपर के तुम डाउनलोड कर सको जिनमें कुछ मिथ है कुछ सच्चाई जो मेडिएशन एनालिसिस मेडिएशन जो बुनियादी कम किया वो बैरोन एंड कैनी है तो इन हवाले का ये काफ़ी पॉपुलर जो रिसर्च पेपर है तेखा अगलो जो रिसर्च पेपर मैं शेयर करना चाहें तो वो है असो मेडिएटिंग एनालिसिस ही है मेडिएटिंग इशूज एंड द रिकमेंडेशन इनमें पंज रिकमेंडेशन पंज इशूज हैं पंजे हवाले कर मुझी नेक्स्ट वीडियो जो है सी इन पेपर से है जैमें अस मेडिशन एनालिसिस जहाँ इशूज आज उनके रिकमेंडेशन वो इनके अस
डिस्कस कंदा आहियूं हीअ जेके पेपर आहे हीअ असांजो मुमताज़ अली मेमून साहिबु आहे जेको मलेशिया में उन लिखियो आहे ऐं टी रमाई आहे हीउ तमामु वॾो जेको नालो आहे स्मार्ट पी एल सी हवाले खां ऐं जेको आहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते दुनिया में घुमंदो वठंदो आहे यानी स्मार्ट पी एल सी हवाले खां तमामु वर्कशॉप कंदो रहंदो आहे मुंहिंजे ख़्याल में कुझु अर्सो अॻु में आई बी सखर में बि आयो हुयो बहरहाल इहो तमामु वॾो कंट्रीब्यूशन आहे ॿिन्ही माण्हुनि जो सो हिन पेपर तव्हांखे मौक़ो मिलियो हिनखे बि तव्हां पढ़ी वठो बल्कि अॻिली वीडियो ॾिसंदव तव्हां जो पेपर पढ़ी वठो हिन पेपर जी लिंक बि मूं हिते छॾे ॾिनी आहे पंहिंजी हिन वीडियो जे आख़िर में ऐं आख़िर में दोस्तो जेको मां तव्हांजे जेको साम्हूं पेश कयो हीउ जेको ॾिसो था हीउ पूरो चैप्टर मां हिन किताब मां वरितो आहे ठीकु आहे ऐं हीअ किताब तव्हांखे खपे त तव्हां मूंखे हिन जी ईमेल मोकिलियो जीअं मां तव्हांखे किताब मोकिले सघां त हाणे हिन में ॾिसो त हिन चैप्टर में छा छा आहे असांजो टाइप ऑफ द मेडिशन इफेक्ट आहे टेस्टिंग मेडिशन इफेक्ट आहे ठीक है मेडिटर कड़ा कड़ा इस्तेमाल थी सकता इंट्रेक्शन ट्रमा काफी सुनो चैप्टर आए तहजी मेडिशन के हवाले का मेहरबानी तो वीडियो के आखिर तक दिखो थोड़ा चैनल जो ख्याल भी कदा कर यानी ख्याल करने मकसद है सब्सक्राइब भी कर वो जो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर कमेंट भी कहबानी थी हि हु अज असो मेडिशन के हवाले का कुछ मुख्तसर शूं हुई दोस्तों हूँ तो मेडिशन तमाम वो कॉन्सेप्ट है काफ़ी शूं पर जो बुझे थी कि शूं कॉन्सेप्ट हैं वो इन वीडियो में दई छा जल्द वरी जो नेक्स्ट वीडियो में तुम ऐसा तो जैमें जो अगो पेपर हो उनमें कॉन्सेप्ट रिकमेंडेशन उन हवाले का जो वीडियो है टाइम मिले तो वह भी वो वहीं इंशाल्लाह जल्द वीडियो में तुम मुलाकात तेस तीन अल्लाह हाफिज़।